बजट आने में अब कुछ दिन ही बचे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में बजट पेश करने वाली हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। इस बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। हालांकि शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों में बजट को लेकर एक डर है। ये डर इस बात का है कि सरकार अपने बजट में शेयर मार्केट पर कैपिटल गेन में बदलाव कर सकती है। हालांकि इस आशंका से एक बड़ी राहत मिलती दिख रही है। असल में दिग्गज इन्वेस्टर क्रिस वुड ने कैपिटल गेन टैक्स और बजट से जुड़ी एक बड़ी बात अपने इंटरव्यू में की है। आखिर क्यों कैपिटल गेन टैक्स पर चर्चा हो रही है और इस पर क्रिस वुड का क्या कहना है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के क्रिस वुड ने CNBC टीवी 18 को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव से चिंता ना करें। उन्होंने शुरुआती चिंताओं को कम करते हुए कहा कि किसी भी तरह के बदलाव का शुरुआत में उतना बुरा असर नहीं पड़ सकता जितना की आशंका जताई जा रही है। क्रिस वुड का कहना है कि हांगकांग जैसे देश कैपिटल गेन टैक्स के बिना काम करते हैं। उनका मानना है कि अगर भारत में भी ऐसा किया जाए तो इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है और बाजार का विस्तार हो सकता है। हालांकि उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए स्ट्रक्चर्ड करने की बात मानी है। क्रिस वुड ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन टैक्स की दरों में काफ़ी अंतर रखने की वकालत की है। क्रिस वुड का कहना है कि बजट में अगर कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव किया जाता है तो बाजार को नुकसान होगा। कैपिटल गेन टैक्स का मतलब संपत्ति या निवेश जैसे शेयरों को बेचने से होने वाले मुनाफे से है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि मौजूदा समय में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन पर टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है। फिलहाल प्रॉपर्टी से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% की दर से टैक्स लगता है। इसमें महंगाई के हिसाब से एडजस्टमेंट का प्रोविज़न है। बता दें कि सरकार इन्वेस्टर्स पर कई तरह के टैक्स लगाती है ताकि इनकम हासिल की जा सके। इन्हीं टैक्स में से एक कैपिटल गेन टैक्स है। जब कोई इन्वेस्टर अपनी प्रॉपर्टी या घर और कार बेचता है तो इसकी बिक्री से होने वाले मुनाफे पर जो टैक्स लिया जाता है उसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। इसे सरकार इनकम का ही एक हिस्सा मानती है। साल 2018 में इसे स्टॉक मार्केट से होने वाली कमाई पर भी लागू कर दिया गया था। कैपिटल गेन टैक्स अलग अलग संपत्तियों पर अलग अलग दर से लगता है। अगर शेयर बाजार की बात करें तो किसी स्टॉक को एक साल के अंदर बेचने पर उससे हुए मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो आपके टैक्स स्लैब के आधार पर लगाया जाता है। अगर शेयर 3 साल बाद बेचा जाता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इसमें 1,00,000 रुपये तक का मुनाफा टैक्स के दायरे से बाहर होगा। इससे ज़्यादा प्रॉफिट पर 10% की दर से टैक्स देना होगा। गोल्ड के मामले में भी यही नियम लागू होता है। कुल मिलाकर आने वाले बजट में सरकार कैपिटल गेन टैक्स में किस तरह का बदलाव करेगी या नहीं करेगी, ये देखना होगा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।